अगर मजे खाली मौज मस्ती करने आ रहे हो ना तो मत आइयो भैया, मत आइयो। अगर मतलब आस्था से ही आ रहे हो कि जी हमें भगवान जी की पूजा ही करनी है तरीके से तो ठीक है ना, तो चपन टाइम पास करने के लिए मत आना भाई, वापस चले जाना, आके कहीं और चले जाना, तुम ना चले जाओ, छोटे से ट्रैक है। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और अभी होटल लिया है और होटल में इधर हमारे पैर के हाल दिखाऊं आपको कैसी हो रही, तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, वो पानी में रहे ना पूरा टाइम इसलिए। और अब ये ले लिया है हमने पीछे ये वाला अपना इस साइड में अपना रूम है, बस ये पंकज भाई रहे, ठीक है। और अब चलेंगे यहाँ से, सुबह निकलेंगे 3 या 4 बजे के आसपास यात्रा के लिए। और बाकी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ, अभी हम खड़े हैं यहाँ से नज़ारा, मतलब हमने रूम भी दिया है टॉप फ्लोर पे दिया है, तो इससे नीचे देखो ये सब घर हैं इधर, और रूम भी ना बिल्कुल एकदम सही पैसों में दिया है यार, इतना महंगा नहीं है जैसा हवा बना देना यूट्यूबर कि भैया इतना महंगा है, 80 रुपये की बोतल है पानी की और ये है वो, कुछ नहीं है, बहुत सस्ता दिया है। और ये देखो रूम भी अच्छे खासा बना हुआ है ये। बाकी हम मिलेंगे हम कल सुबह 4 बजे, ठीक है। अभी के लिए सभी को बाय बाय टाटा। 3 किलोमीटर चले आए हैं तो हमारे 2 साथी आगे चल रहे हैं और एक मैं हूँ, बाकी के 3 लोग नीचे आराम लेने के लिए रुक गए हैं, बाकी हम चलते रहेंगे। देखो घूमने कितना अच्छा है, बाकी आगे आगे बताते रहेंगे हम कैसे क्या चल रहे हैं और कितना चलेंगे हम। मैं तो ये चाहता हूँ अगर भैया किसी के पैरों में जान ना हुआ करे तो ऐसे भी मत आया करो, सोचना भी मत, कोई मतलब नहीं है ऐसे आना किसी जानवर को परेशान करके। अभी देखो वो बंदा भी पैदल जा रहा है ना जिसका ही जानवर है, लेकिन वो बंदा इसके ऊपर बैठ के जा रहा है, कोई फ़ायदा ऐसे जाके। आप पता है किसको खुश करना चाह रहे हो, पशुपतिनाथ जी को, जो कि खुद वो इंसान से ज़्यादा पशुओं के देवता है। अब देखो भैया हम भी आराम लेने के लिए बैठ गए, थक गए, बाकी हमारे जो साथ के थे वो अभी तक आए नहीं है, हम जब तक यहाँ आराम करेंगे जब तक वो नहीं आ रहे फिर हम आगे चलेंगे, हमें आराम करने तक का मौका नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मतलब अच्छी तरह थक चुके हैं और आगे आगे दिखाते रहेंगे आपको क्या है, वैसे ही कुछ इन वादी में सो के जाता है रास्ता, पीछे से भी लोग आने स्टार्ट हो गए। अगर मजे खाली मौज मस्ती करने आ रहे हो ना तो मत आइयो भैया, मत आइयो। अगर मतलब आस्था से ही आ रहे हो कि जी हमें भगवान जी की पूजा ही करनी है तरीके से तो ठीक है ना, तो चपन टाइम पास करने के लिए मत आना भाई, वापस चले जाना, आके कहीं और चले जाना, तुम ना चले जाओ, छोटे से ट्रैक है ये, देखो एक ही झरना पड़ा है सामने, बहुत ही अच्छा है। तो कुछ लोग ही ऐसे जाते हैं, क्या फ़ायदा यार ऐसे जाने का। हम भैया वो सब रुपये नीचे फोटो शूट करा रहे हैं और हम आ चुके हैं ऊपर, ये वो झरना है जिसके यहाँ पे वीडियो वायरल होती है, उधर आगे चलते हैं बाकी। अब कुछ ऐसे हो गए, रेनकोट पहन के सांस नहीं आ रहा था इसलिए ऐसे जा रहे हैं, तरह की गई है देखो। नहीं भैया ये
ये लो जी। हाँ जी आपको हर जगह जगह पे खच्चर मिल जाएंगे, ऐसे पैदल ही पड़ा निकल गया। देखो एक वाटरफॉल और आ गया, एक बढ़िया वाला। चलो बना लो, हैं? ये वाला रास्ता आने का है, यहाँ से हमें जाना है ऊपर, और ये घाट रखा है। अब चलते ये लो, ऐसे कचरों पे उगाएंगे तो क्या गए, ये लोग जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा झरनों से। अच्छा मनोज भाई यार चल लो यार, हम भी चल रहे भाई। तो भाई दोस्तों एक वाटरफॉल और आ गया है, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल पड़ता है ना इस ट्रैक पे वो यही वाला है। बाकी अभी देखो हम चल के कितने किलोमीटर आए, अभी 12 किलोमीटर हम आते हैं यहाँ से, अभी बहुत पड़ेगा। और जैसे जैसे आपको ये झरने दिखाई देते रहते हैं ना, वैसे वैसे आपके अंदर ना एनर्जी आती रहती है, आपको लगेगा नहीं कि आप थक रहे हो। बाकी एक मेंबर ये है, एक मेंबर पीछे, और दो मेंबर हमारे ये चल रहे हैं, और बाकी भैया हम हैं, बाकी सब लोग चल रहे हैं, और आगे आगे चल के दिखाते रहेंगे बीच बीच में जो भी चलते हैं। आगे निकल चुके हैं साहब वहाँ से, अब आगे के लिए, तो आगे चलते चलते आपको दिखाते रहेंगे। जो झरना मैंने पहले बताया था ना बड़ा है, उससे भी बड़ा झरना है ये, देखो देख रहे हो। पर हालत पूरी तरह ख़राब हो गई है भाई, 5-7 किलोमीटर चल गए, हालत ख़राब। एकदम दूध की तरह जा रहा है, बिल्कुल सफ़ेद। अभी 10 किलोमीटर और रह गया, हम चल दिए। और वो देखो अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है तो वो देखो बाबा के दर्शन वहाँ पहुँचना है। और ये छोटे छोटे ऐसे झरने मिलते रहते हैं, तो उसमें ये देख के ना आपको एनर्जी आती रहती है, फील होता है हाँ हम सही जगह जा रहे हैं। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे चलते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, फिर से बंद हो गई है, अब आगे पहुँचते हैं बाबा के धाम। जैसे ही पहुँचेंगे आप सब लोगों को भी दर्शन कराएंगे, जो लोग हमारे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं वो आ जाइएगा। अब चलते हैं आगे। तो भैया अभी चल रहा है मैगी का सीन, क्योंकि यहाँ हो रही है मूसलाधार बारिश, लगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं बारिश हो रही है। तो हम भैया यहाँ अपना रेनकोट उधर उतार के
इधर बैठ के मैगी का मज़ा ले रहा हूँ देखो। और बाकी थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक बारिश बंद होती है, जैसे ही बारिश बंद होगी फिर आगे चलेंगे। और चढ़ाई देखनी है आपको, देखो चढ़ाई ऐसी चढ़ाई देखो भैया, बहुत बहुत कठिन चढ़ाई है। इधर देखो उधर से ढाल है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बट भाई इधर तो बहुत चढ़ाई है। तो भैया जो भी केदारनाथ जी के दर्शन करने आ रहा है बहुत सोच समझ के आए, खाली मज़े मज़े में ना जाए कि मज़े मज़े में आ रहे हैं। मज़े मज़े में आने के वजह से हमारे कई साथियों की हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम, सिर्फ मज़े के चक्कर में। तो लो जी और थोड़ी सी देर रह गई है बस पहुंचने में। ये वाला जो ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इसकी दूसरी साइड जाना है। 3 किलोमीटर है, 15। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा घूम करके आ जाओ, तो बद्रीनाथ चले जाओ, लेकिन भाई बहुत दर्द है। अब चलो आगे चल के दिखाते हैं फाइनली आपको, केदारनाथ जी का दर्शन कराते हैं आपको। भैया हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बेस कैंप है, यहाँ पे टेंट वगैरह मिलते हैं। और अभी भैया अपना केदारनाथ जी आ गए हैं 1 किलोमीटर। बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको भी, केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं। ये देखो अभी सामने पहाड़ भी साफ दिखाई दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी अब तो। चलो जी चलते हैं आगे। पहुंच गए फाइनली हम, ये अपना केदारनाथ जी का द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से थोड़ी सी दूर हो रहा है मंदिर, उसके भी हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हालत बहुत खराब हो गई, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। जी यहाँ सत्यापन कराना था वो हो गया, जो आपका बार कोड होता है वो स्कैन। बाकी चल रहे हैं हम आगे, वो देखो सामने आपको भी दिखाई दे रहा हो जो ओम का स्कैन बना हुआ है, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। चल रहे हैं हम धीरे धीरे, भैया फाइनली केदारनाथ जी के दर्शन हो गए, अब चलते हैं दर्शन करने। आपको दर्शन भी करा दिए, बाकी मिलते हैं हम बाद में। तो पीछे से जल ले लिया है, अब हम आए हैं ये भीमशिला। ये आपको याद है ना 2013 में जो आपदा आई थी, उस टाइम ये पीछे से आके इधर मंदिर की रक्षा करने के लिए पीछे आके लग गई थी सामने, ये वो भीमशिला है। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और सर्दी भी ठंड भी ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं इधर रुकते हैं या फिर नीचे गोरीकुंड में रुकते हैं। तो आपसे मिलते हैं आप गोरीकुंड पर।